महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग ने 4 साल बाद घर में धमाकेदार वापसी की। सीएसके ने आईपीएल 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर पहली जीत दर्ज की। सीएसके ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 217 रन ठोके और लखनऊ सुपर जायंट्स को 205 रन पर रोककर 12 रनों से जीत हासिल कर ली। लखनऊ पर जीत के साथ ही धोनी की चेन्नई सुपर किंग आईपीएल 2023 के पॉइंट्स टेबल में 6ठे स्थान पर आ गई है। वहीं सीएसके से हारकर भी लखनऊ सुपर जायंट्स पॉइंट्स टेबल में अभी टॉप 3 में शामिल है। और अगर बात करें ऑरेंज और पर्पल कैप की, तो आईपीएल 2023 में सभी 10 टीमों ने एक एक मैच खेल लिया है। ऋतुराज गायकवाड़ ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 92 रन ठोके, उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ भी 50 ठोकी। इसके बाद ऋतुराज ऑरेंज कैप की लिस्ट में सबसे आगे, उनके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के ओपनर कायल मेयर्स है। मेयर्स ने सीएसके के खिलाफ 22 गेंदों में 53 रन ठोके थे। और अगर बात करी जाए पर्पल कैप की, तो लखनऊ सुपर जायंट्स के पेसर मार्क वुड ने आईपीएल 2023 में अब तक 8 विकेट हासिल किए है। वो पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे, दूसरे स्थान पर उनके ही साथी रवि बिश्नोई है, उन्होंने अब तक 6 विकेट लिए है। युजवेंद्र चहल ने अब तक 1 मैच खेला है और 4 विकेट के साथ वो भी इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर है। दोस्तों आपको क्या लगता है ऑरेंज और पर्पल कैप को कौन हासिल करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।